बिग बॉस के घर में अभिषेक ने ईशा मालविया को दिया एडवाइस, कहा ईशा थोड़ा सा तो कंट्रोल कर लो, अब बाहर तुम्हारी फैमिली भी ये सारी चीज़ें देख रही होंगी और उनको यकीनन पसंद नहीं आ रहा होगा और तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जज करते हैं और इस बात का तुम्हें पता है, उसके बावजूद भी तुम ऐसी चीज़ें कर रही हो। आपको बता दें यहाँ पर अभिषेक कुमार बात करते हैं ईशा मालविया और समर जुरैल के रोमांस की। दरअसल बिग बॉस के घर के अंदर होता ये है कि दिलवाले मकान के लिए किचन ओपन हो जाता है और सभी लोग मिलकर खाना बनाते हैं, जिसमें अभिषेक भी ईशा की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन इसी बीच आते हैं मुनव्वर फारूकी और वो पूछने लगते हैं कि आज खाने में क्या बन रहा है, तो इस पर ईशा जवाब देती है कि मटर पनीर बन रहा है। तो वहीं टॉन्ट मारते हुए मुनव्वर कहते हैं कि हाँ मेरा वाला मटर पनीर ना, तो ऐसे में सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद मुनव्वर अभिषेक के पास आते हैं और कहते हैं तो मुस्कुरा तो रहा है लेकिन तुझे पता है अभी बाहर क्या चल रहा था, और वो ये बात ईशा की तरफ देखकर बोलते हैं। तो अभिषेक पूछते हैं कि क्या हो रहा था, तो इस पर मुनव्वर ईशा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बाहर रोमांस चल रहा था, हवाओं में रोमांस चल रहा था, प्यार बह रहा था, पता नहीं क्या ही हो रहा है इस घर में। अब मुनव्वर के मुंह से ये सारी बातें सुनकर ईशा मालविया शर्मा जाती है और मुस्कुराने लगती है और पीछे से समर्थ भी मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन इस पर मुनव्वर ने ईशा को कुछ कहा नहीं क्योंकि शायद उसको लगता है कि ये टॉन्ट मार रहा है या फिर ये होता कौन है बोलने वाला। ऐसे में मुनव्वर जो है वो अभिषेक को इनडायरेक्टली बोलते हैं, उनके कानों में इनडायरेक्टली बात डालते हैं कि ये जो रोमांस की हवा चल रही है घर के अंदर, ये बाहर जाके दूसरा रुख भी ले सकती है और पलट भी सकती है। ऐसे में हमें जो है ये रोमांस की हवा में बहना नहीं है, और इस बात को पूरी तरह से समझ जाते हैं अभिषेक कुमार। अब भाई इसके बाद क्या था, अभिषेक ईशा को समझाने लगते हैं कि तू थोड़ा सा कंट्रोल कर, बाहर से लोग देख रहे होंगे और ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है नेशनल टेलीविज़न पर, तो तुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, और समर्थ को भी सेम बातें समझाते हैं। इस पर जो है ना ईशा इस बार समझ जाती है और समर्थ भी समझ जाते हैं, और ईशा कहती है कि थैंक यू मुझे इतना अच्छे से समझाने के लिए अभिषेक, और साथ ही मुनव्वर को भी थैंक यू बोलती है क्योंकि उन्हें पता है कि अभिषेक के कान में ये सारी बातें मुनव्वर ने ही डाली है। वेल, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा कि ईशा को सच में बातें समझ में आई हैं या फिर वो सिर्फ समझने का ढोंग कर रही थी। वेल, इन सब चीज़ों को लेकर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही ऐसी ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।